कोरोना संक्रमण के इस दौर में आम लोग भी मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। नवादा जिले के दीपक यादव हर रोज 60 से 70 लोगों को अपने घर में बना भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लोगों की खुद की जिंदगी संकट से घिरी महसूस हो रही है। ऐसे में बिहार के नवादा जिले का एक परिवार जरूरतमंदों को खाना खिला रहा है। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ला में बसंती देवी दर्जनों लोगों का खाना बना रही है। बच्चे और पति इस काम में उनका सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घर में कोई आयोजन है या अतिथि आए हैं, बल्कि कोविड काल में इनका रोज का काम है। ये लोग रेगुलर रूप से खाना बनाते हैं और जरूरतमंदों के बीच खाना बांटते हैं। महिला और बच्चे कहते हैं कि उन्हें इस काम से खुशी मिलती है। सब मिलकर बनाते हैं, पूरा परिवार मिलकर लगल रहते हैं। गरीबों लोग कहाँ भी भूखा नहीं रहे, सब जितना है उतना को खाना बनाकर देते हैं। हम बनाते हैं, पति जी बांटते हैं, बेटियों बेटा सब मिलकर लगल रहते हैं। मेरे पापा 2018 से यह काम कर रहे रोटी बैंक का, और मेरे पापा का यही मकसद है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। पापा रोटी बैंक चलाते हैं, गरीबों लोगों को भूखा ना रहे, और हम पापा के हाथ बटाते हैं, और मुझे यह काम करना बहुत अच्छा लगता है। दीपक यादव विगत 3 साल से रोटी बैंक चलाते हैं, उनके साथ ही बीमार है, लिहाजा कोरोना काल में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए परिवार के लोग मिलकर खाना बनाते हैं। दीपक कहते हैं कि फुटपाथी के अलावा जहां से मदद का मैसेज आता है उसे निःशुल्क खाना उपलब्ध कराते हैं। हर रोज औसतन 60 से 70 लोगों को खाना पहुंचाते हैं। मेरा एक ही सपना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। अभी लॉकडाउन और कोरोना को लेकर के नंबर भी डाला हूं कि कहीं भी कोई किसी को खाने की जरूरत महसूस होता है तो रोटी बैंक नवादा को कॉल जरूर करें और मैं वहां खाना पहुंचाने का काम कर रहा हूं। देखें तो दीपक और उसके परिवार का प्रयास बहुत असाधारण न लगे, लेकिन वे इस महामारी के दौरान मानवता की बड़ी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।